आज हम बना रहे हैं वेज मंचूरियन। और फ्रेंड्स, मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि इनमें हम ऐसा क्या डालें जिससे कि ये होटल के जैसे मंचूरियन बने। नमस्कार, स्वागत है आपका कुक विदुषा चैनल में। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो सब्जियां चाहिए वो देख लेते हैं। हमने लिया है पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज। अब सभी सब्जियों को एक बाउल के अंदर डाल दीजिए। पत्ता गोभी और गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और जब भी आप मंचूरियन बनाएं तो पत्ता गोभी की क्वांटिटी ज़्यादा लीजिए। देखिए, मैंने भी यहाँ एक फूल तकरीबन 200 ग्राम पत्ता गोभी ली है, तो 50 ग्राम गाजर ली है, एक छोटी गाजर ली थी मैंने, और आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और सिर्फ एक चौथाई हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना है इसमें। अब इसके अंदर आप एक छोटा चम्मच नमक का डाल लीजिए, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। एक छोटा चम्मच काली मिर्च का और एक बड़ा चम्मच हम डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर। एक चम्मच इसमें डाल रहे हैं गरम मसाले का। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब बारी आती है मंचूरियन को एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनाने की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल रही हूँ। पनीर जो है मैंने घर पर ही बनाया है। और देखिए, पनीर डालने से क्या होता है कि हमारे जो मंचूरियन है एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं, बिल्कुल होटल के जैसे। अब इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच मैदे के और 2 चम्मच अरारोट के। जब भी आप अरारोट और मैदा डालें तो इसको बराबर क्वांटिटी में मत डालिए, नहीं तो आपके मंचूरियन बहुत टाइट टाइट से बनेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसको। तो देखिए, अभी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें अरारोट और मैदा और डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो डो है मंचूरियन का वो तैयार है। तो चलिए, अब हम मंचूरियन के बॉल्स बना लेंगे। देखिए, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके डो ले लीजिए और जिस भी साइज के आपको मंचूरियन चाहिए आप बना लीजिए, बड़ी आसानी से बन जाते हैं ये। अभी मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ कि इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं है, बड़ी आसानी से बन गए हैं। तो हमारे मंचूरियन के बॉल्स तो तैयार हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, तेल भी गर्म है और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए। और जब भी आप मंचूरियन फ्राई करें तो बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिए, आपस में चिपकने नहीं चाहिए हमारे मंचूरियन। तो देखिए, अब इन्हें हम पलट लेते हैं। बहुत ज़्यादा इनको अभी फ्राई नहीं करेंगे, हाफ फ्राई इनको मैं कर रही हूँ। तो हाफ फ्राई ये हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल देते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएंगे उसके बाद हम इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो फर्स्ट टाइम ही इन्हें फुल फ्राई कर सकते हो। तो देखिए, मंचूरियन हमारे ठंडे हैं और तेल जो है वो एकदम गर्म होना चाहिए। अब दूसरी बार फ्राई करने से क्या होता है कि मंचूरियन जो है वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो देखिए, मंचूरियन जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल देंगे। तो जब भी आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आप क्या कीजिए, हाफ फ्राई करके इनको रख लीजिए और जब आपको ज़रूरत पड़े इनको आप दोबारा से फ्राई कर लीजिए। इससे आपको आसानी भी होगी और आराम भी मिलेगा। अब हम मंचूरियन में तड़का लगाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ 1 चम्मच मैंने अरारोट का लिया है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है, 2 चम्मच इसमें तेल के डाल दिए हैं। तेल जब खूब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे मोटा मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन, 2 हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे
और थोड़ी सी बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हम ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, सूखे मंचूरियन बनाएंगे हम। एक चम्मच मैंने यहाँ नमक का डाल दिया है और एक चम्मच काली मिर्च का। नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं और एक चम्मच डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर का। अब गैस को हम लो कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे अरारोट का पेस्ट। फटाफट से इसको आप चला लीजिए, नहीं तो अरारोट कई बार इकट्ठा हो जाता है। और एक बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, एक चम्मच सोया सॉस का डाल लेंगे। लगातार इसको आप चलाते रहिए और इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हम मंचूरियन जो है वो सूखे मंचूरियन बना रहे हैं स्नैक्स के लिए, तो थोड़ी सी आप टोमेटो केचप और डाल लीजिए। अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप वो भी डाल लीजिए, उससे तो और भी बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। तो अब मंचूरियन को इसके अंदर डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे जिससे कि ग्रेवी जो है मंचूरियन के अंदर अच्छे से रच जाए। तो देखिए कितना बढ़िया इसमें फ्लेवर आ रहा है, एकदम स्मोकी हमारे मंचूरियन बने हैं। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप दूसरी कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाने से इसमें बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया हमारे मंचूरियन बने हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।